अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम हो गया है सद्दाम यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। जो लोग भी सऊदी अरब में रहते हैं और नया कानून को लेकर परेशान है, क्योंकि कहने के लिए कह दिया गया सऊदी अरबिया से 14 मार्च से कफील सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, कोई भी कफील आपका खुरुज नहीं लगा सकती। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का खुरुज लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई क्यूआर वेबसाइट पे हम किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से वहां पे ट्रांसफर ले सकते हैं किसी कंपनी में। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं, क्योंकि अभी पूरा सिस्टम नहीं आया मेरे भाइयों। कहने के लिए सब कह देता है यहां से आप कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरा सिस्टम नहीं आया है। पहले कहा गया था कि मुद्दत वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें, उसके बाद कहा गया था गोसी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें, उसके बाद अब कहा गया है कि क्यूआर पे जाकर रजिस्टर करें। तो आने वाले टाइम में क्या होता है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से आप लोग वहां पे अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से वहां पे पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करें। अभी तक इसका एप्लीकेशन नहीं आया है, लेकिन आप लोगों को रजिस्टर करना है तो ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च में लिखना है क्यूआर, तो मैं लिख देता हूँ क्यूआर। यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे आ चुका है qr.sa। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं होम क्यूआर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने में इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है थ्री डॉट पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पर अपना एकामा नंबर डालें और नीचे एकामा का जो एक्सपायरी डेट है वो डालें। तो चलिए मैं अपना एकामा नंबर और एकामा का एक्सपायरी डेट डालकर यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो इस तरह से एकामा नंबर और एकामा का एक्सपायरी डेट डालकर यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों के मोबाइल पे जो अफसर से रजिस्टर है उस नंबर पे कोड आएगा, तो उस कोड को यहाँ पे डालना है, तो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दें, उसके बाद जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दें। दोनों जगह पर सेम डालें और कम से कम 10 अंक का होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जगह पे ग्रीन टिक आ चुका है, और यहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें लगता है, 10 अंक का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर कोड जाएगा, कोड जाने के बाद उस कोड को नीचे यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए कोड का इंतज़ार करते हैं, तो कोड आ चुका है। उसके बाद आप लोग यहां पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या इसमें कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इसे। तो देखिए मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, यहां पे ये 100 तक जाएगा, उसके बाद आप लोग पूरा डिटेल इसमें अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं क्या क्या इसमें फ़ीचर दिया गया। तो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लोड हो चुका है, देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोगों के सामने में शो होगा, तो कंपनी का भी कोई भी फाइल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने नाम के आगे यहाँ पे तीर का निशान यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने में कुछ इस तरह से शो होगा, आपका पूरा डिटेल आएगा। अगर आप लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा चीज़ दिया गया है। लेकिन जिन लोगों को मालूम है वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि इन जो कंपनी वाले लोग होते हैं वही यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और वो सामने वाला जिस कंपनी पर आप जाना चाहते हैं वही इसको रिसीव करता है, उसको पूरा डिटेल मालूम होता है। तो आप लोग यहां से पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर ट्रांसफ़र, अगर आप लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ये काम कंपनी वाले करते हैं। अगर जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं वो कंपनी वाले सामने वाले कंपनी को रिक्वेस्ट डालती है कि आदमी ये बंदा मेरे पास आया है, मैं इसको लेना चाहता हूँ अपनी कंपनी में। अगर सामने वाला कंपनी एक्सेप्ट करती है उसके बाद आप लोग उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये ऑनलाइन डिटेल है, कंपनी वाले ये सब करते हैं। आप लोग भी यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं, डिटेल निकाल सकते हैं क्या क्या इसका रूल्स है। मैं आप लोगों को जानकारी के तौर पे थोड़ा बता दिया हूँ किस तरह से ये किया जाता है। आप लोग यहाँ से किसी कंपनी के जरिए करवा सकते हैं, या अगर खुद जानकारी है तो आप लोग खुद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल मिल गया किस तरह से ये कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है।